लखीमपुर खीरी जिले में इस वक्त अपराधों का बोलबाला छाया हुआ है। एक के बाद एक लगातार जिले में हो रही हत्याओं से जिले में दहशत का माहौल छाया हुआ है। ताज़ा मामला नीम गांव थाना क्षेत्र का है, जहां नीम गांव थाना गेट के सामने महज लगभग 100 मीटर दूरी पर ही एक किसान की उसके ही खेत में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। थाना गेट के सामने महज 100 मीटर की दूरी पर किसान की हत्या से क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश देखा गया। वहीं पुलिस की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। जिले में लगातार बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ कहीं न कहीं पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है। ये मृतक आपके कौन है? सगे भाई हमारे छोटे। किस समय आपको ये जानकारी लगी? जब सुबह हम लगभग 6 बजे गए, 6 बजे डेली जाते हैं खेत तरफ आलू खोदने लिए गए थे, तब हमने देखा कि घर उस बंगले के नीचे खून पड़ा था, चरपाई के नीचे, और हमने बाड़ी को भी छुआ भी नहीं और चरपैया खड़ी उसको मिली ही। पुलिस का आरोप है जानवर ने खाया है? अब पुलिस आरोप लगाई जानवर है, लेकिन जानवर वाला कुछ मालूम नहीं दे रहा है। चारपाई खड़ी थी। लेटे कहाँ? चारपाई थे? हाँ, चारपाई पर लेटे थे। घटना स्थल और बॉडी मुझको मिली जमीन के चरपैया के किनारे पड़ी हुई दक्षिण तरफ। घटना स्थल और बॉडी को देख करके क्या लग रहा है आपको? हमको संदेह पड़ रहा है कि हत्या कर दी गई मर्डर केस हो सकता है। तो क्या पुलिस को सूचना दी? क्या कह रही है पुलिस? क्या कार्रवाई कर रही? तहरीर लिख के दे दिया गया, उसके बाद उसने कहा उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। अब पुलिस अब जैसा कुछ करे। नहीं, जो तहरीर आप लोगों ने लिख के दी पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने मुकदमा दर्ज? जानवर का उल्लेख है, वो लोग कह रहे हैं कि जानवर ने खाया, ऐसे एक्सीडेंट किया है, लेकिन अब क्या बताइए, हमने पत्ते से देखा तो है नहीं। दूसरी तहरीर लिखवा लिए हैं ये भी? हाँ, एक दूसरी तहरीर, उसमें पहले संदिग्ध अवस्था में दिखाया गया था, उसके बाद फिर जानवर खाने का उल्लेख किया गया। ये आप लोगों ने लिखा है जानवर खाने का उल्लेख, या पुलिस ने लिखवाया है? पुलिस ने लिखवाया। पुलिस ने लिखवाया है आप लोगों से कि जानवर खाने का आरोप लगाया? किसी प्रकार आपके परिवार से कोई रंजिश वगैरह? रंजिश कोई नहीं है। जमीन जायदाद नहीं, जमीन की भी नहीं है। अच्छा, कोई रंजिश कोई नहीं, ना इसकी भी दुश्मनी कोई है किसी से। ये शराब वराब भी पीते थे क्या? हाँ, थोड़ा बहुत मतलब पी भी लेता था। थाने के नज़दीक एक मर्डर की वारदात हुई है नीम गाँव में, क्या है पूरा मसला? ये मामला नीम गाँव का है, इसमें एक शिव प्रसाद उम्र लगभग 50 वर्ष और बता रहे कि एक डेड बॉडी मिली है, उस पर चोट के निशान है चेहरे पर, तो फॉरेंसिक टीम द्वारा भी वहाँ का निरीक्षण किया गया है और डेड बॉडी को पंचायत करा कर पोस्टमार्टम भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें बदलेगा वैसे की जाएगी। सर, थानेदार काफ़ी देर से पहुँचे वहाँ पे, इसमें तो अलग से जाँच की जा रही है कि लापरवाही की, जिसकी लापरवाही होगी उसमें भी कार्रवाई की जाएगी।